Assalamu alaikum, everybody. I hope sab theek thaak hai and everybody is self-isolating at home. Aaj hamare saath hai senior PTI leader and Senator Faisal Javed Khan. And hum unke saath politics ki koi baat nahi karenge. Hum sirf fun aur entertaining stuff ke baare mein baat karenge. Theek hai? Thank you. Assalamu alaikum. Sabse pehle to dua sabke liye ki Allah Taala sabko apne hifz o amaan mein rakhe. Aur ye बहुत अच्छा कर दिया आपने कि बता दिया कि आज पॉलिटिक्स पे बात नहीं होगी, तो एक ब्रेक मुझे भी मिल जाएगा थोड़ा सा. अच्छी बात है. बिल्कुल, हमने आई थिंक आपने बहुत पॉलिटिक्स की बातें कर ली हुई, अब हम जरा थोड़ी सी एंटरटेनमेंट पे भी आते हैं. थैंक यू. तो पहले ये बताएं आपने इफ्तारी में क्या खाया? इफ्तारी में मैं आपको बताता हूँ, पिछले 2 साल से मेरा एक मिशन है और मैं सबको कहता हूँ कि आपने खापे हैं, क्योंकि होता यह है कि अफ्तारी पे हम टूट पड़ते हैं और पकोड़े समोसे और फिर हमारा जो पेट है ना वो बहुत ज्यादा फैल जाता है, निकल आता है. तो अगर आपने अपनी फिटनेस का ख्याल रखना है तो रमजान बेहतरीन महीना है, क्योंकि आप मैं अफ्तारी में क्या खाता हूँ, मैं एक खजूर खाता हूँ और उसके बाद मैं चिकन टिक्का खाता हूँ, बस. ओ, ये प्राइम मिनिस्टर साहब भी यही डाइट फॉलो करते हैं? ये नहीं, वो तो ऑर्गेनिक फूड पे है ना, वो तो रमजान ना भी हो तो वो तो ऑर्गेनिक फूड है, उनका तो खैर कोई मैच ही नहीं है. वो तो देसी खाने ऑर्गेनिक फूड खाते हैं और वो बिल्कुल ये जो मकरू चीजें वो नहीं खाते, ये जो वो क्या होती हैं सेहत के लिए जो नुकसानदेह होती हैं वो बिल्कुल भी नहीं खाते. वाह, इसलिए वो अभी भी फिट है और हमने उनकी तस्वीरें भी देखी है, वो वर्कआउट भी मुझे लगता है आजकल उनका जारी चल रहा है रमजान में. जी हाँ, हमेशा रमजान में उनका वर्कआउट जो होता है वो रोजे अफ्तारी से बिल्कुल पहले होता है और बड़ा ये टफ टाइम भी होता है वर्कआउट के लिए, लेकिन वो कहते हैं कि ये बेस्ट टाइम होता है वर्कआउट के लिए. चले, मैं खालते दिस इज वेरी एक फिटनेस सीक्रेट हमें मिल गया है खान साहब का, तो अब हम सबको फॉलो करना चाहिए अफ्तारी से पहले वर्कआउट. जी हाँ, मैं तो उनको फॉलो करता हूँ इसमें, क्योंकि मैंने अभी शुरू कर दिया है और ईद पे जब इंशाल्लाह हर रमजान में ये कहता हूँ कि पूरे रमजान में आप फिटनेस का अगर ख्याल रखें और ईद वाले दिन आप लोगों से पूछें कि भाई कैसा दिख रहे हूँ और क्या चेंज दिखे, तो वजन कम होना चाहिए और वो इसीलिए हो सकता है कि अगर आप अच्छा वर्कआउट करें और अपनी इफ्तारी जो है उसमें बहुत ही सादगी अख्तियार करें. ये पहली दफा हमने वैसे सुना है, वरना जनरली लोग यही कहते हैं पकौड़े समोसे से हमने इफ्तारी की थी. हम अब आते हैं आज के टॉपिक पे, जो के है मुझे ना मेरी प्रोनाउंसिएशन इस टर्किश ड्रामे की थोड़ी सी खराब है, तो इसलिए मैं सिर्फ उर्तगुल बोलूंगी. लेकिन हम उस पर ये सबकी खराब है समन, आपका कसूर नहीं है, ये सबकी खराब है. बल्कि मैंने पीटीवी को भी ये कहा था, उन्होंने भी ठीक किया इसको. ये जो टर्किश जिस तरह से नाम लेते हैं ये उनका उनका नाम है और जिस तरह से वो लेते हैं उसी तरह से सबको लेना चाहिए. तो उनकी जबान में जब ये आर्तुरुल है लिखने में आता है तो उसमें जी आता है, लेकिन बोलने में जी जो है वो साइलेंट है, आप बोलते नहीं हो, वो साइलेंट है. तो आप बोलोगे आर्तुरुल. आपको टर्किश बोलनी आती है? नहीं, मैं सीख रहा हूँ और अब 5 सीजन इसके देखे हैं तो थोड़ी बहुत जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि सीख लें. और टर्किश कुछ एमपीज हैं, मेंबर पार्लियामेंट हैं, वो दोस्त हैं, उनसे मुलाकातें रहती हैं, वो हमें टर्किश सिखा रहे हैं, हम उन्हें उर्दू सिखा रहे हैं. वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है. तो मुझे बताया आपने सारे सीजन देख लिए अर्तुल के? जी हाँ, इसके सारे सीजन देख लिए, 5 के 5. और खान साहब ने भी देख ली, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी. जी, तो ये क्वेश्चन मैंने ना बहुत पढ़ा था कि सब पूछना चाह रहे हैं कि आप लोगों को टाइम कब मिलता है ये देखने का. ये बहुत अच्छा सवाल है और बहुत लंबा अरसा लगा इनको खत्म करने में, तकरीबन साल से ज्यादा हो गया. तो वो पार्ट्स में थोड़ा बहुत करके लेट नाइट जब बिल्कुल फारिग हो और तब भी मैं अपना बता सकता हूँ कि लेट नाइट देखते हैं. और इमरान खान साहब जो है वो भी क्योंकि सारा वक्त काम करते हैं, छुट्टी भी नहीं करते हैं, तो मेरा ख्याल है उन्होंने भी आहिस्ता आहिस्ता जो है रात में थोड़ा बहुत देखते रहे हैं वो.
और उन्होंने खैर पढ़ा भी बहुत हुआ है, तो उनको तो वैसे ही हिस्ट्री का काफी नॉलेज है सारी चीजों का, और उन्होंने भी जो है इसको काफी पसंद किया और काफी ज्यादा, बल्कि उन्होंने ही रिकमेंड किया था कि ये सारे देखें। उन्होंने अभी एक नया सीजन भी रेकमेंड किया, यूनस एम्रे। जी हाँ, यूनस एम्रे उन्होंने रेकमेंड किया, उस पर भी हम बात करेंगे। जी तो अब क्योंकि हमने बात की है स्टार्ट, तो मुझे बताएं, नाउ एवरीबॉडी इज टॉकिंग के आप लोग ये टर्किश ड्रामे इंपोर्ट कर रहे हैं, कल्चरल इंपोर्ट कर रहे हैं, और हम पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहे, और ये शान ने भी पॉइंट रेज किया था आपकी ही ट्वीट पे पिछले हफ्ते। जी हाँ, मेरी शान से बात भी हुई है, शान और मैंने बड़ा इकट्ठे काम भी किया हुआ है, क्योंकि आपको पता है मैं एडवर्टाइजिंग फील्ड में था और मैंने बहुत से टीवी कमर्शियल्स प्रोड्यूस किए हुए हैं, मैंने सारे एक्टर्स के साथ काम किया हुआ है, और शान के साथ इत्तेफाक की बात है कि मेरा आखिरी प्रोजेक्ट जो था, जो हमने बैंकॉक में किया था, वो भी शान के साथ था, और मेरा जो शुरू के प्रोजेक्ट्स में से एक प्रोजेक्ट था पाकिस्तान में हुआ था, वो भी शान के साथ था। तो शान के साथ हमेशा डिस्कशन होती रहती थी कि हम क्यों नहीं लोकल जो कॉन्टेंट है इसको प्रमोट करते। देखिए, नंबर वन जो चीज है आर्तुरुल में या इस्लामिक हिस्ट्री की किसी भी चीज में, वो चाहे किसी भी मुल्क पे बनी हो, हमारे जो इस्लामिक वर्ल्ड के जो बड़े बड़े हीरोज हैं, आज की कल्चर में ये अनफॉर्चुनेट बात है कि बुक रीडिंग जो है उसकी हैबिट खत्म होती जा रही है, और उसमें कसूरवार जो है वो डिजिटल जरूर है। लोग जो है वो ज्यादातर मोबाइल फोन पर बिजी होते हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, यूट्यूब देखते हैं, तो हर जमाने के लिहाज से लोगों को एजुकेट करने के टूल्स जो हैं वो बदलते रहते हैं, और आजकल के दौर में बेहतरीन फॉर्म है किसी को अगर आपने हिस्ट्री की तालीम देनी है, अपनी तारीख की तालीम देनी है, तो बहुत पावरफुल जो मीडियम है वो है ड्रामा, फिल्म और म्यूजिक। तो इस पे बहुत अच्छा काम बहुत से लोगों ने किया हुआ है, तो जरूरत नहीं है कि हम इस पे फिर से दोबारा से इन्वेस्ट करें, और एक काम हुआ हुआ है जो टर्की ने किया हुआ है या किसी और मुल्क ने किया हुआ है, ईरान ने भी काफी काम किया हुआ है, बाकी मुल्कों ने भी कंटेंट के, तो फिलहाल जो इस्लामिक हिस्ट्री की जो चीजें हैं जो बनी हुई हैं पहले तो वो दिखा दें, और साथ ही में हम अपनी इंडस्ट्री को भी खड़ा करें कि वो भी ऐसे मास्टरपीसेस बनाएं। हमारी तारीख में जो प्रोडक्शन की तारीख है, ड्रामों की तारीख है, फिल्मों की तारीख है, इसमें बेपनाह काम हुआ है तारीख के ऊपर भी। मोहम्मद बिन कासिम पे एक लबैक ड्रामा था कासिम जलाली साहब का, वो बना, लेकिन आज के दौर में अभी भी वो YouTube पे है, लेकिन आज के दौर में वो ड्रामा आप नहीं देखेंगे, क्योंकि स्पीड टू मार्केट चीज है, प्रोडक्शन टेक्निक्स बदल गई हैं, लोगों को विजुअली चीज अपील करती है, म्यूजिक है, तो वो डायरेक्टर भी मानते हैं कि जाहिर है उस दौर के लिहाज से ड्रामा बना था। तो अभी हमें अगर इन चीजों को लोगों तक पहुंचाना है, मुस्लिम दुनिया के जो हीरोज हैं उनकी स्टोरीज लोगों को बतानी है, तो हमें फिर अडेप्ट करनी पड़ेगी वो लेटेस्ट टेक्निक्स और उस मयार का ड्रामा बनाना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं शान से एग्री करता हूं कि हुकूमतों ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी, और हमारा जो रियासत का टेलीविजन नेटवर्क है वो भी अब ड्रामे नहीं बना सकते, क्योंकि उनके भी जो हालात हैं वो भी वो जो है लाइबिलिटीज का शिकार हैं। उनके पास तो पेंशनर्स जो हैं वो कह रहे हैं कि हमारी पेंशन, तो यहाँ मैं सियासी बात नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे करनी पड़ेगी कि पिछली हुकूमतों ने जिस तरह तमाम इदारों को तबाह किया है, उसी तरह हमारे जो इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है या टेलीविजन है, रेडियो पाकिस्तान है, इन पे इनको भी तबाह कर दिया, और ये लाइबिलिटीज का शिकार है। तो अभी फाइनेंशियली हम मुतामिल नहीं हो सकते कि हम इतना ज्यादा पैसा लगाने की पोजीशन में हो। हाँ, प्राइवेट सेक्टर की पार्टनरशिप के साथ चीज हो सकती है, हमारे यहाँ बेपनाह टैलेंट है, जबरदस्त लोग हैं, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स और DOPs, सब, मैंने तो सबके साथ काम किया हुआ है, 300 से ज्यादा टीवी कमर्शियल्स बनाए, तो इत्तेफाक की बात है कि सारों के साथ ही काम करने का मौका मिला, तो बहुत टैलेंट है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि
हम अभी फाइनेंशियली गवर्नमेंट इस पोजीशन में नहीं है कि वो पूरी तरह से इस इंडस्ट्री को सपोर्ट, पहले अपने पांवों पे खड़ा होना है, हजारों को ठीक करना है और फिर हमने इस तरफ पैसा, लेकिन अभी मिल के हम कर सकते हैं उसके ऊपर आगे जाके मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि हम एक फिल्म पॉलिसी पे काम कर रहे हैं और फिल्म इंडस्ट्री को इंडस्ट्री की दर्जा देने पे काम कर रहे हैं, उस पर मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। लेकिन जहां तक बात है इस मास्टरपीस की, नेमत बुज़दाग जिन्होंने मेहनत की, टीआरटी ने इस पे बहुत मेहनत की और हमें गिफ्ट किया। देखिये तैयब अर्दोगान जो है वो इमरान खान साहब से जब मिले तो उन्होंने गुडविल जेस्टर के तौर पे ये गिफ्ट किया है, तो इसकी तो कोई पीटीवी को कॉस्ट नहीं पड़ी इस ड्रामे को के राइट्स लेने की, ये तो टीआरटी ने जी नहीं, गुडविल जेस्टर था बेसिकली, आप लोगों ने इस पे, ये तो प्राइम मिनिस्टर, नो अब पीटीवी ने इसके जो है पीटीवी को टीआरटी ने ये गिफ्ट किया है तैयब अर्दोगान साहब और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, क्योंकि देखें तैयब अर्दोगान जो है वो इस ड्रामे के शूट पे भी गए थे और इस ड्रामे के कास्ट के साथ उन्होंने बाद में फंक्शंस भी किए थे और ये दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में ये ड्रामा सुपर डुपर हिट है और बच्चों में भी इंटरेस्ट है तारीख के अंदर, और जब आप एक ड्रामा हिस्ट्री पे देखते हैं तो आप बाकी भी हिस्ट्री के में इंटरेस्ट लेते हैं और फिर मजीद आप हिस्ट्री को पढ़ते भी हैं और ड्रामे भी देखते हैं, फिल्में भी देखते हैं, तो हिस्ट्री का आप नॉलेज इक्विप करते हैं, खास तौर पे मुसलमान दुनिया के जो इतने बड़े हीरोज हैं, हमारे बच्चों को हमारे यंग लोगों को नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता, उनको अगर पता है तो उनको बॉलीवुड का पता है, उनको पता है तो उनको हॉलीवुड का पता है, उनको इंडियन म्यूजिक का तो पता है लेकिन इस्लाम की तारीख का, हमारे असल हीरोज का नहीं पता। बड़े मजे की समन किसी ने कल पोस्ट डाली हुई थी कि कुछ अरसा पहले मैं अपने बच्चे से पूछता था कि बड़े होके क्या बनोगे, तो वो कहता था कि मैं बनूंगा सलमान खान या फिर मैं बनूंगा जॉन अब्राहम, लेकिन अब कहते हैं, अब मैंने पूछा बड़े होके क्या बनोगे, कहते हैं आई वॉन्ट टू बी लाइक आर्थुरुल, तो यू नो ये चीजें जो है, हाँ तो ये इनफिल्ट्रेट कर रही हुई है। तो चले मैं थोड़े से क्वेश्चंस भी लेती हूँ, यहाँ पे हमारी ऑडियंसेस की तरफ से काफी सवाल आए हैं, तो वो ये पूछ रहे हैं कि व्हाई डिडंट वी हैव अर्तुगरुल मेड विद अ पाकिस्तानी हीरो। Well, we didn't make it. That's why. I mean, Turkish people made it, and they. I think this actor Engin is a brilliant actor, and he has done a great justice to this role. And all of them. I think Pakistan mein agar banega, to fir hum Pakistani usme hero lenge. कौन सा hero आपको लगता है अर्तुगरुल का role कर सकता है? मेरा ख्याल है शान भी कर सकता है और हुमायूं सईद भी बहुत तगड़ा रोल कर सकता है, हुमायूं सईद भी कर सकता है। तो अभी आपने मुझे थोड़ी देर पहले बताया था कि यू वर्क विद ऑल पाकिस्तानी एक्टर्स एंड यू नो एक्ट्रेसेस एंड ऑल दैट, तो आपका फेवरेट कौन है? मेरा जो फेवरेट एक्टर थे वो अब इस दुनिया में नहीं रहे और वो थे शफी मोहम्मद शाह साहब, जो के फितरी अदाकारी में उनका बड़े सगीर में कोई मैच नहीं है, बहुत ही कमाल थे, एक्सप्रेशन से एक्टिंग करते थे और एक एफर्टलेस काम था उनका, कमाल का। उनका चांद गिरन अगर किसी ने नहीं देखा तो यूट्यूब पे आप, क्योंकि घरों में हैं तो चांद गिरन देखें, वो भी एक सिंध की कहानी है और बहुत ही कमाल का ड्रामा है, और शफी साहब मेरे फेवरेट एक्टर थे। और अब अगर बात करें तो हुमायूं सईद जो है वो मुझे बहुत पसंद है और हुमायूं सईद की एक्टिंग जो है, उन्होंने पिछले दिनों जो फिल्म की थी पंजाब नहीं जाऊंगी, वो बहुत ही अच्छी फिल्म थी और हुमायूं खैर बहुत पुराने एक्टर हैं और काफी अरसे से काम कर रहे हैं, तो हुमायूं सईद जो हैं आजकल के दौर में अगर बात करें तो वो मेरे फेवरेट एक्टर हैं। बाकी राहत कासमी भी पसंद है, नुमान एजाज भी पसंद है, शान भी बहुत अच्छे काम करते हैं, बाकी कई लोग हैं जो कि मुझे काफी पसंद है, लेकिन टॉप फेवरेट मेरे पास तुम वो देखा था आपने, मेरे पास तुम हो देखा था और मैं ड्रामे फीडबैक के लिए भी देखता हूँ और देखा था मैंने, बीच बीच में से देखा, पूरा नहीं देखा मैंने लेकिन देखा था। अच्छा, ये काफी सवाल लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि आप अर्तुगरुल को पाकिस्तान कब लेकर आएंगे, हम उनसे मिलना चाहते हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है और इंशाल्लाह अभी देखिए पहला सीजन चल रहा है, लोग बेताब हो गए तो इंशाल्लाह पहले तो ये इंशाल्लाह हालात ठीक हो जाएं कोरोना वायरस,
उसके बाद फिर हमारे सीजन्स भी जो हैं कुछ चल जाएं, और जब इसके 5 सीजन्स हैं और इंशाल्लाह 5 के 5 चल जाएं, तो उसके बाद फिर हम इसकी कास्ट को पाकिस्तान जरूर दावत देंगे, और क्योंकि हर एक की डिमांड होगी कि वो अर्तुरुल जो हैं उनसे मिलें, और हलीमे सुल्तान से मिलें, हाइमे सुल्तान से मिलें, बामसी से मिलें, तुर्गत से मिलें, सुलेमान शाह से मिलें, इन सब से मिलें, सलजन से मिलें, तुकतितन से मिलें, सब से मिलें। तो ये सारी कास्ट जो है ये हम इंशाल्लाह कोई फंक्शन करेंगे इंशाल्लाह। 150 एपिसोड में टोटल में तो इतना लंबा वेट करना पड़ेगा हमें उनसे मिलने के लिए। रोजाना चल रही है ना, तो आपको कितना वेट करना पड़ेगा? 500 दिन, 500 एपिसोड्स हैं ना, अगर 5 सीजन्स के देखें तकरीबन 500 के लगभग होंगी, तो आपको 500 दिन वेट करना पड़ेगा, तो उस वक्त तक हालात भी ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह, उससे पहले ही हो जाएंगे अल्लाह करे। तो क्या लॉकडाउन अब हमने सुना है खत्म होने वाला है, इज दैट ट्रू? लॉकडाउन में नरमी आ रही है, लॉकडाउन जो है देखिए कई मुल्कों में जो है लॉकडाउन, इटली में 4 मई से उन्होंने किया अनाउंस, स्पेन में 4 मई से, ऑस्ट्रिया में 2 तारीख से, डेनमार्क में, इसी के साथ साथ स्विट्जरलैंड में। तो इमरान खान साहब बिल्कुल ठीक कहते थे पहले दिन से, हम जैसे वो तो बड़े डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहां पे भी मसले हैं, और हम तो डेवलपिंग कंट्रीज, हमारे यहाँ तो गरीब इतने हैं, तो रोजगार और उनकी घर चलना, बाकी गवर्नमेंट ने लिया पैकेज वगैरह किया है, लेकिन देखें फिर बहरहाल जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है लॉकडाउन में नरमी की जाएगी। चले ये अब हम आगे अगला सवाल पूछते हैं, ये है मोहम्मद फरान, उनका सवाल है कि why isn't work being done on bringing our local culture in the limelight? ये हमारे पाकिस्तानी टीवी ड्रामा सास बहू पे सिर्फ क्यों फोकस करते हैं? I think it's a very good question. Now the problem is the content जो है ना, हमारे ड्रामे कमाल के ड्रामे होते थे, कमाल के। निजात आप देखें, निजात की तो केस स्टडी कैनेडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट में पढ़ाई जाती थी कि निजात ड्रामा जिसमें आपने सायरा काजमी, आहा मेरी फेवरेट डायरेक्टर, कमाल ही कर दिया। फिर आप ड्रामे देखें, आंच एक ड्रामा था शफी साहब का था, मैंने चांद गिरन का जिक्र किया, खुदा की बस्ती, वारिस, हमारे ड्रामे बहुत कमाल के ड्रामे होते थे, और हमारे जो डायरेक्टर्स थे अयूब खावर साहब का ड्रामा दिन जो है वो बहुत अच्छा ड्रामा, अंधेरा उजाला आपको याद होगा, सोना चांदी आपको पता है। तो ये इतने अच्छे कंटेंट बने। अच्छा कंटेंट क्या था? हमारे ड्रामा बनता था उसमें बताते थे कि ये एक चीज गलत है, ये काम नहीं करना, इसका अंजाम गलत है, मॉरल ऑफ द स्टोरी, यानी कि चोरी करना गलत काम है, करप्शन, रिश्वत, सिफारिश, झूठ बोलना, ऐसी चीजें, यानी कि ड्रामा जो है वो परवरिश करता था लोगों की। अब ड्रामा जो है वो रेटिंग्स के पीछे जाता है, और ड्रामे की ऑडियंस सिर्फ और सिर्फ खवातीन तक महदूद होकर रह गई है, और पॉलिटिकल टॉक शोज जो हैं वो मर्द हज़रात देखते हैं, ड्रामे सिर्फ खवातीन देखती हैं। पहले जो ड्रामा आता था पूरी फैमिली देखती थी, इंटरेस्ट लेती थी, क्योंकि कंटेंट सब्जेक्ट ऐसा होता था। एक तो हमें बिल्कुल ठीक भाई ने बात की है, हमें अपने कंटेंट पे काम करना पड़ेगा। उसके लिए ईद के बाद क्योंकि मैं चेयर करता हूँ ये स्टैंडिंग कमेटी जो है इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, मेरी क्योंकि फील्ड रही है ये एडवर्टाइजिंग और फिल्म और ड्रामा और रेडियो, तो मैं सबके साथ मिल बैठ के जितने भी हमारे राइटर्स हैं और कमाल के राइटर्स हैं उनके साथ, प्रोड्यूसर्स के साथ बैठ के हम आगे का लायमल तय करें कि आगे हमें इस तरफ जाना चाहिए कॉन्टेंट जनरेशन में, अच्छा कॉन्टेंट लेकर के आए, और आप इंशाल्लाह ड्रामा आपका चलेगा। होता यह है जो इन्वेस्टर होता है वो रिस्क नहीं लेता, वो कहता है कि लोगों को जो बिकता है वो दिखाना है, तो हमें थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा जो क्रिएटिविटी है उसको लेकर और अच्छी अच्छी स्टोरीज पे काम करना पड़ेगा, और लोग तैयार हैं। अब आप देखें अर्तुरुल जो है वो लोग देख रहे हैं, अच्छा काम होगा तो लोग देखेंगे। अभी भी मैं बताऊं कुछ लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आजकल के कुछ ड्रामे हैं जो के मुख्तलिफ चैनल्स पे चलते हैं, खासतौर पे हम टीवी जो है उसने भी ड्रामे का को रिवाइव किया, फिर बाकी चैनल्स हैं, ARY डिजिटल है, जियो भी है, कुछ और चैनल्स भी हैं, BTV होम पे भी, खैर इतने नहीं लेकिन कभी कभी आपको भी अच्छा ड्रामा देखने को मिल ही जाता है। लेकिन आपका फेवरेट ड्रामा कौन सा है? ऑल टाइम फेवरेट
नहीं नहीं अभी जो करंटली चल रहा है। अलिफ एक ड्रामा अभी करंटली चला था जो कि बेहतर ड्रामा था, हमजा अब्बासी थे उसमें, और एक स्पिरिचुअल एक जर्नी के ऊपर एक ड्रामा था, आई थिंक इट वाज हसीब हसन आई गेस डायरेक्टर है, और बहुत अच्छा काम था वो, सब्सटेंस था उस ड्रामे में। और फिर जो अगर थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो आपको कुछ और ड्रामे भी मिलते हैं, अगर मैं बात करूं थोड़ा सा अगर पीछे जाएं तो एक ड्रामा था जो फैसल कुरैशी का ड्रामा था जिसमें राहत फतेह अली खान का साउंड ट्रैक भी बड़ा हिट हुआ था, मेरी जात जरा बेनिशान, और वो तो बहुत पीछे चले गए, मैं तो अभी की बात कर रही हूँ आजकल ऑन एयर ड्रामे। नहीं, मैं अगर बहुत पीछे गया तो फिर मैं आपको बताऊंगा अपना ऑल टाइम फेवरेट ड्रामा, और वो है निजात सायरा कासमी का, या फिर उससे भी पीछे गया तो वो फिर वो ड्रामे है। मेरा मतलब कहने का ये है कि इसी दौर के, अगर हम जब से नया टेलीविजन आया है, नए चैनल्स आए हैं, तब के दौर के ड्रामे अगर देखें तो मेरी जात जरा बेनिशान भी एक ड्रामा बड़ा अच्छा था। इसके अलावा मेरा साईं जी, अच्छा जो बिल्कुल अभी चल रहे हैं ना आप, उसमें थोड़ा सा माजरत के साथ ये कहूंगा कि मैं सब 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 अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है सबकी, और वो सबके साथ भी मेरी मुलाकातें भी रहती हैं, उनको मैं यही बताता हूँ कि जब आप ये पुराने ड्रामे जरूर देखें, आपको बहुत कुछ इनसे सीखने को मिलेगा, और YouTube पे ये ड्रामे सारे मौजूद हैं। ठीक, तो मुझे पता है इमरान खान साहब का कोई है फेवरेट ड्रामा जो आजकल चल रहा हो, वो टर्किश ड्रामों के अलावा कुछ देखते हैं, पसंद करते हैं? इमरान खान साहब को अगर टाइम अव्वल तो मिलता नहीं है, मिले तो वो किताब पढ़ते हैं और ड्रामे वो नहीं देखते, और वो हिस्ट्री में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, और वो ऐसी चीजें जो के जो रिकमेंड भी वो कर रहे हैं, इनसे इंसान को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो अर्तुरुल जो उन्होंने देखा वो इसलिए कि ये एक इस्लामिक हिस्ट्री, इस्लामिक फेथ के ऊपर एक बहुत ही मास्टरपीस है। तो उनका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है अर्तुगरुल में? ये मैं स्पेसिफिक क्वेश्चन तुमसे पूछूंगा, लेकिन उनकी बातों से लगता है कि अर्तुगरुल ही उनका फेवरेट कैरेक्टर है। और आपका? मेरा जी अर्तुगरुल भी है, और सुलेमान शाह ने बड़ा इंप्रेस किया है उनकी एक्टिंग ने। और मैं आपको बताऊं, ये डीजी हैं टीआरटी के, उन्होंने मुझे जब तैयब अर्दुगान आए थे तो तैयब अर्दुगान से मैंने एक बात की थी, वो इसी ड्रामे की थी कि जी ये ड्रामा आपका जो है बच्चा बच्चा जो है, तो उन्होंने कहा मैं चाहता हूं कि ये बच्चा बच्चा जो है ये अर्तुगरुल को फॉलो करे और अर्तुगरुल को देखे। तो ये तो तैयब अर्दुगान साहब ने, तो उन्होंने फिर वो डीजी जो थे टीआरटी के, उनके साथ मेरी बड़ी लंबी मुलाकात हुई, तो उसमें उन्होंने मुझे एक चीज बताई इस ड्रामे के बारे में और मैं हैरान हो गया। उन्होंने बताया कि जो हाइमे सुल्तान है ना इसमें, जो अर्तुगरुल की माँ है, उनका ये जिंदगी का पहला काम है एक्टिंग में। तो अगर आप उनकी एक्टिंग देखें तो वो भी मेरी फेवरेट है इसमें। हाइमे सुल्तान ने कमाल की एक्टिंग की है, कमाल। That's nice. तो अच्छा, ये सात जब्बार हैं, वो पूछ रहे हैं कि why don't you suggest a remake for the shows you've mentioned? That's a very good idea. I have suggested. I tell you a story now. This is a fantastic idea, and we should do it. But I had a small meeting, short meeting with the Sayra Kazmi. Rahat Kazmi साहब भी थे वहाँ पे। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप रीमेक करें, कंटेंट मौजूद है, स्टोरी बड़ी पावरफुल है, और आज के जमाने के एतवार से जचती है, चलती है, तो आप इनको रीमेक करें। तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि वो जो चीज हो गई है ना, वो दोबारा नहीं बन सकती, और वो मैं खुद भी नहीं बना सकती। तो ये सच भी है, ये हकीकत भी है। अल्फा ब्रावो चार्ली बन गया, अल्फा ब्रावो चार्ली दोबारा वैसा नहीं रीमेक हो सकता। वो शुएब मंसूर ने काम कर दिया, अब शुएब साहब नया काम भी कर रहे हैं, और लेकिन चीज ये है कि आप लोग हिम्मत करें और यूट्यूब के ऊपर इन ड्रामों को देखें, अल्फा ब्रावो चार्ली भी देखें, हमारी आर्मी का ड्रामा है,
सुनहरे दिन है ड्रामा, वो देखें, सलीम शेख का, वो भी शुएब मंसूर ने बनाया था। तो रीमेक नहीं हो सकता लेकिन एफर्ट की जा सकती है। मैं बाकियों से भी बात करूंगा, आइडिया इज नॉट बैड, बट आई टेल यू व्हाट, थोड़ा सा हमें उन लाइंस के ऊपर नए ड्रामे बनाने होंगे कि व्यूअरशिप ज्यादा हो। बिल्कुल, एंड देन इसी से साथ साथ ये हम हैं, मोहम्मद हारिस अंसारी हैं, उन्होंने पूछा कि इज द गवर्नमेंट ट्राइंग टू पुश पाकिस्तानी कंटेंट ऑन नेटफ्लिक्स या अमेज़न प्राइम। देखें, गवर्नमेंट होता यह है जो कंटेंट नेटफ्लिक्स पे डालने का होता है, आप भेजते हैं, वो रिव्यू करते हैं और फिर नेटफ्लिक्स पे करता है प्राइवेट पार्टी को, जो भी जिसकी भी प्रोडक्शन होती है, जिसके भी राइट्स होते हैं। तो हमारे यहाँ तो कमाल का काम हुआ हुआ है, चाहे वो नुमान एजाज का हो, फैसल का हो, अजनान का हो, मायरा का हो, मैविश का हो, सब लोगों का, अतीका ओडो है, बिशरा अंसारी, सब लोगों ने बड़ा कमाल का काम किया हुआ है। तो वो चीजें रेडी हैं, कुछ नेटफ्लिक्स पे पड़ी भी हुई है। मेरी हुमायूं सईद से परसों ही इस पे बात हो रही थी, मैंने कहा यार वो फिल्म तो डालो, वो खुद जो है पंजाब नहीं जाऊंगी, बड़ी अच्छी फिल्म बनाई है। तो वो उन्होंने कहा हमने भेजी हुई है, वो इंशाल्लाह जल्दी आ जाएगी। नेटफ्लिक्स पेस्ट करता है जिनकी होती है उनको व्यूअरशिप के ऊपर। तो ये नेटफ्लिक्स पे हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम प्राइवेट जितने भी हमारे प्रोडक्शंस हैं और इनको भी और पीटीवी को भी, लेकिन नेटफ्लिक्स जो है वो अपने मयार के मुताबिक फिर चीज को, जाहिर है हमारी जो नए चीजें हैं वो तो चली जाएंगी। मेरा नहीं ख्याल कि हमारे पुराने ड्रामे नेटफ्लिक्स पे जा सकते हैं, लेकिन पुराने ड्रामे फवाद चौधरी साहब ने भी इस पे काफी काम किया था, उन्होंने काफी वेरियस अपील्स भी की थी मुझे याद है। बट व्हाई कांट वी हैव द सेम थिंग जिस तरह नेटफ्लिक्स इंडिया में कॉन्टेंट बना रहा है, तो वो पाकिस्तान क्यों नहीं आता? पाकिस्तान नेटफ्लिक्स अवेलेबल तो है, कंटेंट भी पाकिस्तानी उस पे है, लेकिन जिस तरह से हिंदुस्तान में काम हो रहा है तो हम उनसे ये हमें मानना पड़ेगा कि फिल्म में और इन चीजों में हमने हमारी तवज्जो नहीं रही है। और इसीलिए मैं पहले हाफ में भी, इस सेगमेंट के पहले हाफ में भी यही कह रहा था कि हमारी हुकूमतों ने हमारे आर्ट, कल्चर, म्यूजिक के ऊपर को फरोग देने पे काम नहीं किया। ये हमारी एक ऐसी आउटलेट है जिससे मैसेज बहुत फंटास्टिक तरीके से कम्युनिकेट होता है। और हमारे जो फिल्म इंडस्ट्री है, मैं आपको बताऊं, मैं ये जो पूरी फिल्म पॉलिसी पे काम, फिल्म पॉलिसी पे जो काम कर रहा हूं, तो उसमें टूरिज्म जो है उसकी प्रमोशन बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारी वो जगह लोगों को फिल्मों में दिखाई जाए और इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस जो है लोगों में आएगी, लोग जब देखेंगे अट्रैक्ट करेंगे, हमारा टूरिज्म को भी फरोग मिलेगा, हमारी फिल्मों के अंदर कुमराट आए, कागान, नारान, नॉर्दर्न एरियाज, इस्लामाबाद जो है दुनिया के खूबसूरत तरीन कैपिटल सिटीज में से एक है, इस्लामाबाद दिखाएं लोगों को। जब हम अपने जगह दिखाएंगे, अपना कल्चर दिखाएंगे, अपनी अपनी चीजें दिखाएंगे, तो लोगों को अट्रैक्ट करेगा और लोग हमारी तरफ आएंगे। इंडिया ने यही किया है, अगर आज नेटफ्लिक्स इंडिया जा रहा है, प्राइम इंडिया से आगे जा रहा है, बाकी चीजें पहुंच रही हैं, तो उन्होंने क्या किया, अपनी अपनी जो फिल्म इंडस्ट्री है उसके थ्रू बहुत ज्यादा प्रमोशन की अपनी। लेकिन हमारी हुकूमतों ने ब्रेकिंग न्यूज भी जो है टीवी पे उन्हीं की चलती रही कि जी फला प्रिटी जिंटा ने या उसने अपनी मंगनी के कपड़े लेने के बारे में सोच लिया, इज अ ब्रेकिंग न्यूज। व्हाई? या हमायूं या क्या कुछ नहीं कर जाते, इतने बड़े बड़े काम कर जाते हैं, उनकी न्यूज जो है वो छोटी सी खबर आ जाती है अखबार में। हमें अपने टैलेंट को प्रमोट करना होगा, हमारी हुकूमतों को, अब तो खैर हमारी हुकूमत है, माजी की हुकूमतों ने इस तरफ तवज्जो बिल्कुल समन नहीं दी है। अब हमें आर्ट, कल्चर, म्यूजिक को प्रमोट करना होगा, इस पे संजीदगी से काम करना होगा, क्योंकि टैलेंट है बेपना। और मैं आपको बताऊं, जितना टैलेंट गांव देहातों में है इस शोबे के अंदर, जितना टैलेंट गांव देहातों में है, कमाल है। अगर उनके पास प्लेटफॉर्म हो, वो खुद ब खुद मुल्क को उठा देंगे, हमारी हमारी अच्छी मैसेजिंग जाएगी। लेकिन इसके बावजूद के, बगैर हुकूमत के सपोर्ट के बावजूद, हमारे प्रोड्यूसर्स, हमारे डायरेक्टर्स ने बहुत ही कमाल का काम किया है, वी शुड अप्रिशिएट दैट।
जी तो इससे भी आपने बात की कि बॉलीवुड हमारी ब्रेकिंग न्यूज होती थी, तो डज दिस मीन कि बॉलीवुड वापस नहीं आने वाला, हम भूल जाएं उसको? भूल जाएं, पर देखे अब देखे ना, अभी जैसा पिछले हफ्ते इरफान खान की डेथ हुई, ऋषि कपूर की डेथ हुई, और उसकी वजह से उसके बावजूद इतना प्यार पाकिस्तान से गया उनकी तरफ, बट अब इसका कोई, इट इज नो गोइंग बैक। देखिए मेरी बात सुने, बात यह है कि कंटेंट किसी भी जगह का हो, अच्छा कंटेंट हो, तो आर्ट और कल्चर में कोई बाउंड्री नहीं होती, लेकिन ये एक तरफा काम नहीं होता, इट्स अ म्यूचुअल, और इसमें ट्रेड भी है, इसमें ट्रेड भी है। आप जी जिंदगी, आपको एक चैनल याद होगा जी जिंदगी चैनल, एक शुरू हुआ था जिसने पाकिस्तान के ड्रामे इंडिया में दिखाने शुरू किए थे, उन्होंने वो चैनल बंद कर दिया हुकूमत ने, उनकी इतनी तंग नजरी है। हमारे यहाँ तो रेडियो पे इनके गाने चलते रहे, इनकी फिल्में चलती रही सिनेमा पे, सारी चीजें, हमारे आर्टिस्ट को वहां बैन कर दिया, हमारा म्यूजिक वहां बैन, हमारी फिल्में वहां बैन, हमारे ड्रामे वहां बैन, और हम यहाँ चलाए जा रहे हैं धड़ाधड़। ऐसे तो नहीं होता ना, ये तो एक तरफा नहीं होता ये काम। दूसरी चीज तंग नजरी है, वहां पे जो सलूक किया जा रहा है मुसलमानों के साथ, जो कश्मीर में हो रहा है, बिल्कुल भी इंडियन कॉन्टेंट अभी चलने का नहीं है पाकिस्तान में, बिल्कुल भी चलने का नहीं, नहीं चलने का। हाथ नहीं बढ़ाएगा तो फिर हम लोग भी जरा नहीं कराएंगे। तो अभी आपने वैसे बात की थी कि यू नो आर्ट बाउंड्री की कोई बाउंड्री नहीं है, तो अभी पिछले दिनों सरमद खुर्शीद की एक फिल्म थी जिंदगी तमाशा, और वो जो थी इट गॉट स्टक एंड देन इट नेवर गॉट रिलीज, तो उस पे भी फोकस है आप लोगों का कि उस इस फिल्म मेकर्स को फैसिलिटेट किया जाए? वेल आई विल हैव टू चेक अपॉन दिस कि व्हाट्स लेटेस्ट ऑन दैट, I'm not aware of it, but I'll check upon this कि अभी किधर है, क्या सिलसिला, मुझे नहीं पता। Last reports तक वो सेंसर बोर्ड के पास थी, उसके बाद आगे कुछ बना नहीं इसका। Okay, इसको इस्लामी नजरियाती काउंसिल का भी मेरा ख्याल है मौकफ लिया जा रहा था, but I'm not too sure about it. I'll check upon this and get back to you. But I tell you, वो सेंसर बोर्ड की जो आपने बात की ना, I have a point here and I am covering that in this paper as well. Now the censor board centralized होना चाहिए। Problem क्या होती है? एक फिल्म आई थी मालिक के नाम से, आपको याद है? I'm not आशर अजीम की। नहीं। अच्छा, धुआं ड्रामा जिन्होंने बनाया था ना क्वेटा का, बहुत ही उसके वो फिल्म सिंध में कल सेंसर बोर्ड में फंस गई, और सेंसर बोर्ड अगर सेंट्रलाइज हो ना तो फिल्म को एक सेंसर बोर्ड में जाना होगा, और अगर वहां से वो निकलती है तो फिर ठीक है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है अभी हर सुबह का अपना सेंसर बोर्ड है, वो बेचारी फिल्म जो है एक जगह से निकल जाती है दूसरी जगह फंस जाती है, तो फिल्म मेकर जो है वो परेशान है। हाँ, तो सेंसर बोर्ड को सेंट्रलाइज होना चाहिए, ये 18वीं तरमीम के जहाँ बाकी चीजों में गौर होना है, वो इस पे भी गौर होना है, सेंसर बोर्ड पे भी। चले, आई होप कि इस सेशन से काफी हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लोगों को इनसाइट मिली हो। आई होप कि यू नो दे हैव बेटर आइडिया ऑफ व्हाट इज बीइंग डन ऑन द गवर्नमेंट एंड। एंड क्योंकि अब हमारे पास वक्त काफी कम रह गया है, तो आई एम जस्ट गोना आस्क वन लास्ट क्वेश्चन, एंड वो एक्चुअली हमारे व्यूअर्स ने भेजा है, वो पूछ रहे हैं कि आप टिकटॉक फॉलो करते हैं? बिल्कुल भी नहीं, सॉरी, मुझे फॉलो नहीं करता, लेकिन लोग कह रहे हैं कि कोई ऐप है ये, तो मैंने तो आज तक इसको डाउनलोड नहीं किया है, लेकिन मैं तो अभी पूरी तरह से टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू इंस्टा भी नहीं इस्तेमाल कर सका, इसका मुझे बिल्कुल नहीं है, शौक भी नहीं है, आइडिया भी नहीं है, और मैं समझता हूँ कि लोगों को इंटरनेट का बहुत ही मुस्बत इस्तेमाल करें तो बहुत कुछ पड़ा हुआ है। मैं एक बात जाते वक्त जरूर करूंगा, यूनुस एमरे का आपने जिक्र किया था, तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है उन्होंने अब रिकमेंड किया है कि आर्थरुल तो हो गया, यूनुस एमरे का भी लोग उसको भी देखें, उसको भी डब किया जाए उर्दू में, और लोकली पाकिस्तान में उसको टेलीकास्ट किया जाए। यूनुस एमरे जो है वो दरवेश है, एक इस्लामिक पोएट है, सूफी और एनेटोलियन जो विलेज वहां पे है वहां से हैं, और ये एक जबरदस्त स्टोरी है ऑफ अ ग्रेट सूफी जो डेडिकेटेड टू अल्लाह एंड ही इज सर्चिंग फॉर यूनिटी।
और ये भी ड्रामा जो है ये भी बनाया है टीआरटी ने और मेहमत बुज़दाग जो हैं उन्होंने ये दिखाई है। इट्स अ जर्नी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, वेरी वेल वर्स्ड है मिस्टिकल फिलोसफी, स्पेशली दैट ऑफ द 13th सेंचुरी पोएट जो थे मिस्टिक जलालुद्दीन रूमी। तो ये सीरियल जो है, अगर प्रोडक्शन के जो लोग हैं, जो आजकल तो हर आदमी प्रोडक्शन का आया क्योंकि यूट्यूब चैनल्स भी आप खोल रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा यूट्यूब चैनल्स खोलें, पाकिस्तान के लिए अच्छा है। सीरियल जो है ये एक एग्जांपल है ऑफ अ मेटिकुलस अटेंशन टू डिटेल वर्क। नाउ दिस इज व्हाट वी नीड टू वर्क, अटेंशन टू डिटेल वर्क। मैं पीटीवी को यही कहता हूँ कि जब आप अटेंशन टू डिटेल वर्क करते हैं, एक एक चीज आप उसको जिस तरह अर्तुरल में आपने देखा और इस ड्रामे में भी देखेंगे कि आपको एक्स्ट्रास भी जो मिलते हैं, सेट्स जो मिलते हैं, जो एक्स्ट्रास, एक्स्ट्रा से मुराद है वो एक्टर्स जो मेन लीड में नहीं होते, साइड रोल कर रहे होते, साइड रोल से भी जो एक्स्ट्रास होते हैं उनकी भी अगर आप काम देखें तो वो भी कमाल का होता है। तो हमारे पुराने ड्रामे जो होते थे, आजकल भी कुछ बन रहे हैं, लेकिन पुराने ड्रामों में अटेंशन टू डिटेल इसका बड़ा ख्याल रखा जाता था। ठीक है, चले, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत इंटरेस्टिंग और इनसाइटफुल कॉन्वर्सेशन थी ये, एंड इंशाल्लाह वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग द गवर्नमेंट एंड इट्स एफर्ट्स इन दिस इंडस्ट्री आल्सो। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम, हैव अल्लाह।